हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हरप्रीत सिंह, बायोलॉजी टीचर। और आज का हमारा नया टॉपिक रहेगा फ्रॉम रिप्रोडक्शन, दैट इज़ मेटामॉर्फोसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कोशिश करूंगा कि सिंपल वर्ड्स में आपको समझाने की विद डायग्राम्स विद एग्जांपल्स क्या है मेटामॉर्फोसिस। सो मेटामॉर्फोसिस इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस ऑफ transformation. So it is a process of transformation from कहाँ से एक transformation होती है, यानी कि change होगा कहाँ से, from immature form, एक immature form जो अभी पूरी तरह से mature नहीं हुआ है कोई insect organism, to an adult form इन एडल्ट फॉर्म में चेंज हो रहा है एक ऑर्गेनिज्म, कहां से इमैच्योर फॉर्म से, लेकिन कैसे, दो या तीन स्टेप्स के अंदर, यानी कि इन टू और थ्री स्टेजेस। अब इसको ध्यान से समझेंगे, साथ साथ आपको डायग्राम भी मिलेगी यहां पे, बड़े क्लियर कट समझना आपको कि एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसी क्रिया जिसमें क्या होगा ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग होता है चेंज, कि बॉडी में चेंज आएगा, लेकिन कहाँ से चेंज आएगा, इमैच्योर फॉर्म से। अब बताओ इमैच्योर फॉर्म कौन सी होगी, इमैच्योर फॉर्म होगी जो पूरी तरह से मैच्योर नहीं है, जिसके अंदर पूरे प्रोसेसेस नहीं हो रहे, जिसके अंदर फिजियोलॉजी नहीं हो रही है, रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन ये सब चीज़ें उतनी हाई लेवल पे सिस्टम्स नहीं बने हुए, उसको बोलते हैं इमैच्योर फॉर्म, जो मैच्योर नहीं है। लेकिन ट्रांसफॉर्म किस में होगी, एडल्ट फॉर्म में। अब बताओ एडल्ट फॉर्म कौन सी होगी, एडल्ट फॉर्म होगी जो हर एक प्रोसेस परफॉर्म करेगा, जो उसकी शेप है प्रॉपर शेप जो होती है वो उसको अटेन करेगा। लेकिन इस सब काम को करने के लिए इनको क्या चाहिए, दो से तीन स्टेजेस होंगी, यानी कि दो स्टेजेस और तीन स्टेजेस या फिर चार स्टेजेस भी हो सकती हैं। ओके, सो जैसे हम एग्जांपल लें तो आप साइड पे आप देख रहे होंगे, साथ साथ में डायग्राम भी देखेंगे। जैसे यहाँ पे अगर आप देख लो, कोई भी ऑर्गेनिज्म है एग लेइंग ऑर्गेनिज्म, जब वो किसी एग को ले करता है, मान लो ये एक एग आ गया, जब वो एक एग को ले करता है तो वो एग और उसका एडल्ट फॉर्म जो होता है, मान लो एक बटरफ्लाई ही है, ऐसे देख लेते हैं आप डायग्राम में देख लो कौन सा बताया, तो ये बटरफ्लाई है। अब इस एग में और बटरफ्लाई में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होगा, है या नहीं है डिफरेंस, क्योंकि ये इसकी इमैच्योर फॉर्म होगी और ये इसकी एडल्ट फॉर्म आ गई। सो एडल्ट फॉर्म में और इमैच्योर फॉर्म में स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट में बहुत ही ज़्यादा अंतर है। तो ये जो डिफरेंस है इतना ज़्यादा, ये कैसे कवर होगा, तो ये कवर होगा स्टेजेस के अंदर, इसके कुछ स्टेजेस होंगी, यानी कि ये एग जो है ये क्या होगा, ये किसी ना किसी फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो ये एग आगे देखोगे, ये जब थोड़ा सा लार्वा में कन्वर्ट होगा, यानी कि जब ये थोड़ा हैच करेगा तो लार्वा बनेगा, तो जो लार्वा होगा वो वैसे जैसे फिश लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं वैसे दिखेगा। उसके बाद यही लार्वा आगे जाके और ज़्यादा कन्वर्ट होगा एक और स्टेज के अंदर, दैट इज़ प्यूपा, तो प्यूपा में कन्वर्ट होगा, फिर जाके बाद में क्या होगा, एक नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, ठीक है। और वो जो ऑर्गेनिज्म प्यूपा से निकल के आएगा, मैच्योरिटी अटेन करेगा, दैट इज कॉल्ड एडल्ट फॉर्म। सो ऐसे फ्रॉग के अंदर देखोगे, अब बड़े सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं ज़्यादातर ये इंसेक्ट्स और मैमल्स के अंदर देखने को मिलेगा, तो वहाँ पे एक जो ऑर्गेनिज्म जब इनिशियल स्टेज में था और जब उसने एक अपनी फाइनल स्टेज अटेन कर ली, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, और उसको इनिशियल और फाइनल स्टेज तक पहुंचने के लिए बहुत सारी स्टेजेस जो हैं पार करनी पड़ेंगी, है ना। जैसे यहाँ पे फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फिर जाके एडल्ट में आएगा, तो ऐसी बहुत सारी स्टेजेस जो हैं इनको कवर करनी पड़ती हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। मीन्स अब आपको समझ आ गया होगा, प्रोसेस, ये एक प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, कहाँ से, इस जगह से यहाँ तक, From immature form to adult form in two or three or four steps। वो depend करता है कि कौन सा organism change हो रहा है, कोई दो में भी होगा, कोई तीन में भी होगा, कोई चार में भी हो सकता है। So this process is called metamorphosis। Simple word में changes जो organism के अंदर आती है adult form तक पहुँचने के लिए, यहाँ तक आ गया सम। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें ह्यूमन का केस, तो ह्यूमन के केस में क्या होगा, तो ह्यूमन के केस में ऐसा मेटामॉर्फोसिस नहीं होगा, क्योंकि जब भी अब एग जो है एगलिंग ऑर्गेनिज्म, वो एग को जन्म देते हैं, फिर वो हैच करता है, फिर वो उसके अलग अलग स्टेजेस होंगी जैसा भी होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें ह्यूमन के केस में होते हैं, जब हम बच्चे को जन्म देते हैं तो वो वैसा ही होता है जैसे वो एडल्ट के अंदर होता है, मीन्स वो सभी उसके अंदर सिस्टम शेप सब वैसी होती है जैसे एडल्ट की होती है, सिर्फ साइज छोटा हो सकता है,
उसकी ग्रोथ कम है, साइज़ छोटा है, डेवलपमेंट अभी प्रॉपर नहीं हुई है, लेकिन अदरवाइज शेप उसकी वैसे ही होगी जैसे एडल्ट की होगी। ओके, सो वहाँ पे हम ये थोड़ा सा केस डिफरेंट होगा, पहली चीज़ क्लियर होगी। अब दूसरा होता है हमारे पास जो आपके शायद बुक के अंदर नहीं है, लेकिन एक स्टेप हमें आगे रहना है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे हमारे पास जो मेटामॉर्फोसिस होता है वो दो तरह का होता है। एक मेटामॉर्फोसिस होती है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, मैं यहाँ से ही समझा दूंगा, आप साइड पे भी देखेंगे और इधर भी देखेंगे कंप्लीट। और दूसरा होता है हमारे पास दैट इज़ इनकम्प्लीट। तो ये दो मेटामॉर्फोसिस जो इसकी टाइप्स हैं वो क्या हैं, क्या है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस एंड क्या है इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, साथ में पिक्चर देख रहे हो आप। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपनी इनिशियल स्टेज है मीन इमेच्योर फॉर्म में, जब वो एडल्ट फॉर्म में जा रहा है, तो बीच में ये वाली जो स्टेजेस हैं ये अगर नहीं होती, मतलब वो लार्वा प्यूपा नहीं बनता, जैसे यहाँ पे निम्फ देखो कुछ ऐसा ऑर्गेनिज्म बनता है जिसमें ये स्टेजेस नहीं आती, तो हम बोलेंगे ये जो मेटामॉर्फोसिस हुई है ये इनकम्प्लीट हुई है, क्योंकि वी लैक 3 or 4 स्टेप्स, ठीक है, या फिर वी लैक लार्वा एंड द प्यूपा स्टेज, तो हम बोल सकते हैं कि वो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस हुई है। लेकिन अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ये सारी की सारी स्टेजेस आती हैं, जब भी वो लार्वा से या फिर एग से एडल्ट में कन्वर्ट होता है, इनिशियल स्टेज से फाइनल स्टेज में कन्वर्ट होता है, इमैच्योर से मैच्योर में कन्वर्ट होता है, दैट इज कॉल्ड कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, मींस उसमें पूरा रूल और रेगुलेशंस को फॉलो किया, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आप देख रहे हो डायग्राम से कंप्लीट हो गया, मैंने आपको डायग्राम भी बता दी, यहाँ पे एक माइंड मैप भी बता दिया और एक डेफिनेशन को क्लियर कट बता दिया किस तरह से ये मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस होते हैं। सो लेट्स होप फॉर द नेक्स्ट वीडियो, होप करेंगे अच्छी जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी वो इससे भी अच्छी हो। और आपको सिर्फ करना क्या है, जैसे मैंने बोला है, आपको मोटिवेट करना है, बच्चों को ये फॉरवर्ड करना है ताकि हम और ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाएं, आपका नेक्स्ट चैप्टर भी हम लेके आएँ, वो तभी पॉसिबल होगा अगर थोड़ा सा मोटिवेशन जरूर मिलेगा। सो सब्सक्राइब लाइक एंड फॉलो द चैनल, थैंक यू वेरी मच।